फ्रेंड्स, टाटा मोटर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा पोस्ट किए है और मुझे लगता है इस डेटा की वजह से शेयर में पॉजिटिव रैली भी बन सकती है। मगर यहाँ पर एक बात आपको नोट करने की, अभी आगे आने वाले थोड़े दिन में जगुआर लैंड रोवर के भी डेटा आएंगे, वो भी देखना इम्पोर्टेंट होगा। मगर इंडिया के सेल्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और टोटल इंडिया और इंटरनेशनल दोनों सेल्स की बात करें तो जो पिछले साल 40,619 यूनिट था वो बढ़कर 61,365 यूनिट रहा है। मगर फ्रेंड, यहाँ पर 62,000 यूनिट से ज़्यादा की सेल्स आने का अनुमान था, तो ओवरऑल अनुमान से थोड़े कम है, मगर मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है क्योंकि जो पिछले साल फरवरी में 38,002 यूनिट बेचे थे वो बढ़कर 58,473 यूनिट रहे डोमेस्टिक सेल, जो कि 54% की बढ़त दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो कॉमर्शियल व्हीकल में जो पिछले साल 28,071 यूनिट बेचे थे वो इस साल 21% बढ़कर 33,966 यूनिट रहे, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल में 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आप सभी को पता ही है कॉमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर की सेल्स दो गुना हो गई है, तो फ्रेंड्स जो पिछले साल 12,430 यूनिट बेचे थे वो इस साल बढ़कर 27,225 यूनिट, यानी कि 119% की पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यह डेटा डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।